अस्सलाम वालेकुम भाई। आज है हमारे पास इन्फिनिक्स R30i, जिसका मॉडल है X669। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी IME रिपेयर कैसे करते हैं, UMT से या फिर एवेंजर से। चले मैं आपको इसका मॉडल चेक करवाता हूँ। मॉडल है X669। चले तो मोबाइल को ऑफ कर लेते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चले जी, एवेंजर्स का SPD टूल खोल लेते हैं और क्लिक करेंगे एंटर डायग मोड पे। कोई बटन जो है आपने प्रेस नहीं करना, खाली मोबाइल को ऑफ करके कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद डिवाइस मैनेजर आपने खोल लेना है चेक करने के लिए। तो ये देखें, अब ये पोर्ट बनाएगा SPD की। जब आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे उससे तकरीबन 10 सेकंड बाद जो है ये SPD पोर्ट बनाएगा। तो इसका मकसद ये है कि ये अब डायग मोड पे आ चुका है, ठीक है। और चेक करने के लिए हम इसकी लेंगे इन्फो, रीड इन्फो पे क्लिक करके। तो अब ये जो है फोन की IME शो हो गई है और जो भी इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन है, सब डिटेल जो है इसमें शो हो गई है। चलें जो इसका जेन्युइन IMEI है वो हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है फर्स्ट वाले टैब में हम फर्स्ट IME डालेंगे और उस पर चेक लगा देंगे। दूसरी IME कॉपी कर लेंगे, उसको हम सेकंड वाली लाइन में जो है पेस्ट करके उसके आगे भी चेक लगा देंगे। और राइट आईमी पे हमने क्लिक करना है। इसके बाद जो है तकरीबन चंद ही सेकंड्स में ये आईमी राइट कर देगा, ठीक है। ये देखें आप, डन का ऑप्शन आ चुका है नीचे। अब हम करेंगे मोबाइल को पावर ऑफ। ये पावर ऑफ पे जो है क्लिक करेंगे। जब पावर ऑफ करने के बाद जब हम मोबाइल को डिसकनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, वरना ये डाइग मोड यूटिलिटी से भी ऑफ कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं मोबाइल मोबाइल दिखाते हैं आपको। अब ये देखें, ये फ़ोन जो है इन्फिनिक्स के लोगों पर रुका है। जैसे हमने डिसकनेक्ट किया ये ऑटोमेटिक ही ऑफ हो गया है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, चलते हैं डायल पैड पे और इसका IMEI चेक करते हैं। देख सकते हैं आप, IMEI जो है वो चेंज हो चुका है। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ नहीं समझ आ रहा आपको कुछ, तो कमेंट्स करें, या फिर जो है अगर आप ऑनलाइन भी चेंज करवाना चाहते हैं, रिपेयर करवाना चाहते हैं IMEI, तो आप जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर अबाउट में मौजूद।